नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश कुमार आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आज मैं आया हूँ। ये महत्वपूर्ण विषय जो है NCHASP एक्ट, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एक्ट, जो 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये बिल पास हुआ। और इस एक्ट में जो है कहा गया कि ये 6 मंथ में 6 महीने के भीतर ये पूरा पूरे देश में लागू होगा। बशर्ते आज 2023 अक्टूबर चल रहा है, मगर इस एक्ट को अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाई। तो क्या कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इस कार्य को करने में, जो कार्य 6 मंथ के अंदर पूरा होना था उसको पूरा इन्होंने इतना लॉन्ग पीरियड इन्होंने इसको लिया। और ये एक विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो भी एक्ट और जो भी बिल पास होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उनको कार्य उनमें होने में बहुत काफ़ी समय लगता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज के युवाओं को इन चीज़ों को समझकर जो है इन महत्वपूर्ण विषयों को अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि इसमें बहुत से जो छात्र हैं जो इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो आज जो इस एक्ट को पास कराने में काफ़ी समय लगा और अब जो एक्ट पास होने के बाद में भी इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन होने में इतना समय क्यों लग रहा है। और इस विषय एक बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, इसको एक आज के यूथ को जो है बहुत सीरियस इसको लेना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए है। क्योंकि इस एक्ट में जो हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, बहुत से जो स्टूडेंट हैं जो अपने इस कोर्सों को करके जो है हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेजों में जगह जगह पे जो इस मेडिकल जो सेवाएं देते हैं, उनके संबंध में ये एक्ट पास हुआ। इसमें 56 जो प्रोफेशनल हैं इसमें लागू होंगे, बशर्ते अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। तो ये विषय जो है एक बड़े स्तर पे भी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर है, और सुप्रीम कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस एक्ट को जल्द से जल्द इसको कार्य को वो करने पाएँ, जिससे कि बहुत से छात्र जो है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए दर दर घूम रहे हैं, जिनको कि गवर्नमेंट एक नौकरी नहीं मिल पाती है इस रजिस्ट्रेशन के कारण। और बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि फर्जी तरीके से चलाए जाते हैं और वो जो है अपने मनमानी ढंग से छात्रों से फीस लेते हैं, मनमाने ढंग से उनकी पढ़ाई लिखाई, मतलब कुछ भी अच्छी नहीं करा पाते। तो ये उस चीज़ को लेकर ये एक्ट को पास कराया है, और हम सरकार से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस एक्ट को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करें, और जो भी छात्र जो भी जो इस के वेट कर रहे हैं इसके लिए, तो जल्द से जल्द उनको इसमें एक अच्छा उनको भविष्य, उनका फ्यूचर बन सके। क्योंकि हमारे इंडिया से क्या है, बहुत बहुत ही बच्चे जो है होनहार बच्चे हमारे इंडिया से जो है भाग विदेशों में कार्य करते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन उनके लाइसेंस ना होने के कारण वो उन जगह जहाँ बाहर जो वो काम करने हैं वहाँ भी उनको दिक्कत आ रही है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप इस मैटर को थोड़ा सीरियस लेके और जल्द से जल्द हो सके तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द करें, जिससे बच्चे जो दर दर जो भटक रहे हैं तो उनको एक अच्छी जगह पे उनका मार्गदर्शन होने पाए। और यही हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, और आज के युवाओं से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप अच्छे अच्छे मैटरों में, अच्छे उन कार्यों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे भविष्य को जो लेके बनाती है, तो अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को लेके सचेत हों और एक अच्छी
सोच के साथ ये आज के बातों में ना फंसें, जो कि एक अच्छी जो अपना जो फ्यूचर आपका अच्छा बनने पाए, उन कारों की ओर अपना ध्यान दें और इस मैटर को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के सामने रखते हैं और इस एक्ट को जल्द से जल्द पास कराने में पास कर तो दिया है, इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन इसका इस पूरे भारतवर्ष में लागू करें। धन्यवाद।